नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर वन चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं अजय शुक्ल इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को एक रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आपके सवालों को लेकर के, आपके सरोकारों को लेकर के हम सदैव संजीदा रहते हैं। आज आपके सवालों को लेकर के सामना करेंगे सवालों का ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ जी कृषि मंत्री हैं, पंचायत है दूसरी और बहुत सारी चीजों के जिम्मेदार मंत्री हैं। तमाम सारी चीजों को वो करने की बात करते हैं, क्या उन्होंने किया है क्या नहीं किया, इन सब पे उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार धनखड़ साहब, अभी हाल के दिनों में आप पर एक कंट्रोवर्सी चली। इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने और जेजेपी के नेताओं ने कहा कि धनखड़ साहब ने जो पहले जाट प्रधानमंत्री थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे देवीलाल जी और चौधरी चरण सिंह जी, इनके योगदान को आपने नकारा है। जो कहे जाते हैं किसान नेता थे, इनके किसान नेताओं को आपने इग्नोर किया है, इनको कहा है कि ये इन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, बात ध्यान से सुनने की है और समझने की है। देखिए, देश में किसान एक मुद्दा बार बार उठाता रहा है कि उसको फसलों के लाभकारी मूल्य मिले जी। 1966 में देश में प्राइस कमीशन बनाया गया, 80 में उसको नाम दे दिया कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। तो ये जो प्राइस कमीशन बना, जिन आधारों पर ये कैलकुलेशन करता था कि फसलों के दाम किस तरह से दिए जाएं, उसमें किसान का प्रॉफिट कहीं नहीं था जी। उसमें इंटरनेशनल प्राइस थी, नेशनल प्राइस थी, प्राइस इंडेक्स देखते थे, क्रॉप पैरिटी देखते थे, इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क पड़ेगा देखते थे, कंज्यूमर पर क्या फ़र्क पड़ेगा देखते थे, लागत क्या है ये देखते थे। लेकिन आपने भी बहुत वर्षों तक देखा होगा शुक्ला जी, कभी एक रुपया बढ़ता था, कभी 5 रुपये बढ़ते थे, कभी चुनाव आता तो 50 रुपये भी बढ़ते थे। जब उसका लॉजिक पूछते थे, क्योंकि मैंने तो 10 वर्षों तक किसान मोर्चा का काम किया, तो कहते थे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसमें आप ऐसा लॉजिक नहीं कर सकते प्रॉफिट वाला जी। तो देखिए, मैंने ये कहा कि देवगौड़ा जी भी कृषि क्षेत्र से आते थे, मैंने उनका भी नाम लिया है। वो भारत के प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने, चौधरी देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसानों की जो ये लगातार मांग थी कि कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन के फार्मूले में किसानों का प्रॉफिट जोड़ा जाए, ये मृदा कमीशन ने भी कहा, ये बाकी सब कमीशनों ने भी कहा, स्वामीनाथन साहब ने भी कहा, इसको जोड़ने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने किया कि हम 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम देंगे। अब पिछली खरीफ की फसल से जिस भी फसल की कैलकुलेशन होती है उसमें मिनिमम प्रॉफिट 50% रहता है। मैंने इतना ही कहा कि ये उस स्थान पर भी पहुंचे, लेकिन किसानों की जो बहुत ही पॉपुलर मांग थी और बहुत जोरदार मांग थी उसको नहीं कर पाए। उन मांगों को वो लोग नहीं कर सके जो जनता की या किसान की जरूरी मांग, सबसे जरूरी बात थी फसल का दाम और वो लाभकारी दाम, उसको एड्रेस नहीं कर पाए। आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल काम किया है किसानों को लेकर के और सारी चीजों को लेकर के, लेकिन एक सवाल आप पर आता है कि आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रमुख रहे, आपने उसकी लड़ाई लड़ी, स्वामीनाथन को लेकर के आपका कहना था, आपके ही बयान थे कि नरेंद्र मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे पहली कलम से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन आप भी कृषि मंत्री बन गए, ओबी बन गए, आपके जो महासचिव थे वो देश के कृषि मंत्री बन गए, उपाध्यक्ष। तो इन सब स्थितियों में सारी चीजों को देखने के बाद में, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट गायब है, इस बात को लेकर के क्या? कहाँ गायब है, अब तो स्वामीनाथन साहब भी कह रहे हैं मेरी पूरी इम्प्लीमेंट हो गई है। स्वामीनाथन साहब खुद कह चुके हैं कि जो कुछ मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। अगर आपको लगता है कोई विषय बचा है तो जरूर बताइए, हम उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने 50% प्रॉफिट की बात की, वो हमने देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को कंपनसेट अच्छे से करो, उन्होंने 10,000 की सिफारिश की थी, हमने 12,000 कर दिया है। उन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर काम करने के लिए कहा, उस पर हम लगातार कर रहे हैं। उन्होंने बेटर वाटर मैनेजमेंट के लिए कहा, उस पर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने बेटर खरीद के लिए कहा, उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने पशुपालन और फिशरीज बाकी सबको अलाइड सेक्टर को बढ़ाने के लिए कहा, उस पर कर रहे हैं। तो उनकी सिफारिशें मोटे तौर पर लगभग सभी पर, देखिए वैसे तो कोई विषय कहता है तो वो विषय चलते चलते बहुत वर्षों तक इम्प्लीमेंट होती है चीजें, लेकिन उन्होंने जो दिशा दिखाई, हमारी सभी सरकारें, केंद्र की सरकार और
राज्य सरकार, और उसमें भी एक और उन्होंने कहा जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर भी आ गए कि उत्पादन बहुत बढ़ गया है, उत्पादक की चिंता नहीं हो रही, उत्पादक की हालत खराब है, तो सीधा उत्पादक को 6,000 रुपये केंद्र ने देना तय किया। हरियाणा सरकार ने भी कहा है कि हम भी अपना काम करने लग रहे हैं कि हम भी 6,000 देंगे, तो उत्पादक को भी समर्थ करने के लिए सीधा एड्रेस किया गया, उनकी सभी सिफारिशों पर काम हुआ। आप कह रहे हैं सभी सिफारिशों पे काम हो रहा है, विपक्ष आपको इसी बात को लेकर के घेरता है, आपको कहता है कि आप कहते हैं हो रहा है, 5 साल आपने गुजार दिए केंद्र में भी राज्य में भी, और केंद्र में आपकी दोबारा सरकार आ गई, राज्य में भी ईश्वर करे आप दोबारा आए, लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद अभी उनमें कितने पे आप अभी पाइपलाइन पे ही पड़े हुए हैं, कितने पे हो गया है? देखिए हो रहा है और होता रहेगा जी। मक्खन रोज निकलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मक्खन एक दिन निकलने से काम पूरा हो गया जी। प्रॉफिटेबल प्राइस लगातार मिलना चाहिए, कंपनसेशन लगातार मिलना चाहिए। 4,665 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचा चुके हैं जी। हर चीज को कवर कर लिया है, आगजनी को, पानी भरा, जल भराव है तो उसको भी, नदी नहर टूटती है तो उसको भी, ट्रेन ओवरफ्लो होती है तो उसको भी, भावांतर भरपाई दे के सब्जियों को कवर कर लिया है, हर चीज को कवर किया है। आप कहते हैं सब चीज को कवर कर लिया है, वो कहते हैं किसानों को कंपनसेशन मिल ही नहीं रहा है। अरे भाई 4,665 का मैं आंकड़ा दे रहा हूँ ना जी, मैं 4,650,000 किसानों के घर में पहुंच गया। अब वो ये बात नहीं करते अजय शुक्ला जी, अब वो ये बात करते हैं कि इन 50 का रह गया है जी। अब वो ये बात नहीं करते सिस्टम के रास्ते में कहीं कोई कमी रह गई है, वो उसकी बात करते हैं। अब वो ये बात नहीं करते कि सरसों की खरीद नहीं हो रही, सूरजमुखी की खरीद नहीं हो रही, बाजरे की खरीद नहीं हो रही। अब वो ये कहते हैं कि ये 50 किसान रह गए साहब, और ये अच्छी बात है, इसलिए सब सबकी डिलीवरी हो रही है। वो समय नहीं है आपकी, हमने कह दिया तो वो नहीं है, अब डिलीवरी होती है, अब चीजें पहुंचती हैं जहां पहुंचनी चाहिए, वहां चीजें पहुंच रही हैं। अब वो मुद्दा, मुझे भी इस बात की खुशी है, अब विपक्ष मुद्दा उठाता है तो वो उठाता है कि ये 2 गांव रह गए जी। कल भी आपने देखा जी, जयप्रकाश जी ने एक गाँव का मुद्दा उठाया कि भाई बीमा मिल रहा है लेकिन इस गाँव में नहीं मिला, इस गांव की दिक्कत रहेगी, 10 किसानों की दिक्कत रहेगी, केवल 10 किसानों के कागज मुझे देकर गए। तो इसलिए मुद्दे आप प्रतिपक्ष उठाता है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन की उठाता है, अब ये नहीं उठाता कि ये नहीं हो रहा। इसलिए ये सब चीजें हम कर रहे हैं, लगातार करना है, और कोई भी चीजें लगातार और बेहतरी की तरफ चलती हैं, कहीं चीजें ऐसा नहीं होगा कि फुल स्टॉप आ जाएगा जी। और अच्छाई की तरफ लगातार काम करना, बिल्कुल कहीं फुल स्टॉप नहीं आ जाएगा। एक चीज और आती है कि जब आजकल आप डाइवर्सिफिकेशन पर बात कर रहे हैं, आप कृषि को लेकर के बहुत सारी चीजों को आप कह रहे हैं कि इनको करिए इनको मत करिए सारी चीजें, तो उन सब चीजों को लेकर, पानी की समस्या है, दूसरी बातें हैं, इन सब चीजों को लेकर जब आप बात करते हैं तो क्या आप जिन लोगों को कहते हैं दूसरे फसलों पर आप जाइए उनके लिए क्या आप मार्केट उपलब्ध करा रहे हैं, उनके लिए कुछ और कर रहे हैं, या उनको क्या है स्टेप मिल रहा है कि जिससे वो कर सके? देखिए बाजरा जी, बाजरा सरकारी खरीद का हिस्सा कभी नहीं था जी। एक आध बार किसी सरकार ने अपने दरियादिली से खरीद लिया, अच्छी बात है, लेकिन हमने उसको सिस्टम में लेकर आए, और पिछली बार 18 लाख क्विंटल बाजरा हमने खरीदा जी। सरसों 25% तक PSS स्कीम में केंद्र अनुमति देता था, 25% में तो केवल 25 लाख क्विंटल बनती थी, हमने 70 लाख क्विंटल खरीद ली, हरियाणा का पैसा इन्वेस्ट किया। हम इस रास्ते पर चले हैं कि जो भी फसल हमारा किसान उगा रहा है, दलहन है, तिलहन है, मोटे अनाज है, मक्का के लिए अभी हमने कमिटमेंट किया है, सूरजमुखी हमने खरीदी है, चना हमने खरीदा है, मूंग हमने खरीदा है, हम हर चीज खरीदेंगे। अभी हमारे लिए सुखद ये है कि धान और गेहूं केंद्र सरकार खरीद लेती है जी। उनका एक एक पैसा वो देते हैं, सीधा खरीदते हैं, लेकिन बाकी सारी फसलें वो कुछ में PSS स्कीम में दलहन में हमको मदद देते हैं, तिलहन में मदद देते हैं, लेकिन मोटे अनाजों में नहीं देते, वो हम खरीदते हैं। और हमारा कमिटमेंट है कि किसान उगाए हम खरीदेंगे, डाइवर्सिफिकेशन पर जाएं, इंसेंटिव देना भी शुरू किया है, मक्का पर तो कहा कि आप धान से अगर मक्का पे आते तो हम आपको 2,000 रुपये देंगे, बीज भी देंगे, खरीदेंगे भी हम। तो हम पूरे उस रास्ते पर चले हुए हैं कि कैसे उसको बेहतरी की तरफ ले जाएं। प्रोक्योरमेंट की गारंटी हमारी हर फसल की है, और जहां प्रोक्योरमेंट नहीं है सब्जियों में, वहां हमने भाव की गारंटी दे दी है कि आपका नहीं बिकेगा तो गैप हम दे देंगे भावांतर भरपाई से। तो मैं कहता हूं कि एक बेहतर व्यवस्था की तरफ हम बढ़ गए हैं, और जो इम्प्लीमेंट हो रही है जी। आपने मंडी बनाने की बात की थी फलों की और उसकी सब्जियों की, और दूसरी एक इंटरनेशनल लेवल की आपने मंडी की बात की थी, उतने 5 साल होने आ गए, वो मंडी आज तक नहीं बनी है। देखिए 5 तो नहीं कहेंगे, उससे भी पुरानी कहेंगे, कांग्रेस के जमाने में इस मंडी का एक तरह से विचार हुआ, उन्होंने जमीन एक्वायर की और उन्होंने एक एजेंसी भी हायर की, रंगीस मंडी है फ्रांस की बहुत बड़ी, और उसको भगाने का काम भी उन्होंने किया जी।
उनसे DPR वगैरह बनाते बनाते बीच में ही भगाया। मैं उसके बाद रंगीस के लोगों से मिला था, मैंने कहा आप हमारे लिए काम कर लिए, हमको तो बड़ा जो है वहाँ से भगाया गया है, हम तो काम करना चाहते थे। बाद में हमने यहाँ लोकली काम करने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी मंडी किसी ने बनाई नहीं थी, कोई इतनी बड़ी मंडी बनाने के लिए जो लोग आने चाहिए थे, बार बार टेंडर निकाला गया तो लोग नहीं आए। फिर हमको लगा कि इस तरह से हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, तो हमने अब एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया है जो खुद इस विषय का काम करेगा। उसमें एक धनकर साहब, आप इन सारी बातों को जब आप कहते हैं, दावा करते हैं, तो उस स्थिति में जैसा कि आपने बताया कि उसके लिए एक प्राधिकरण बना दिया है, लेकिन प्राधिकरण से किसान का क्या भला होने वाला जब तक मंडी बन के तैयार ना हो, वो अपनी सब्जी उगा ले, सब कुछ कर ले, वो बिके नहीं, बर्बाद हो जाए, सड़ जाए, फिर किसान क्या करेगा, बर्बादी कगार पे जाएगा। बहुत ही मार्मिक तरीके से आप अपनी बात करें अजय शुक्ला जी। किसानों की खरीद के लिए सब्जी मंडियों का पूरे हरियाणा में नेटवर्क है, ये तो एक इंटरनेशनल लेवल की मंडी बननी है, गन्नौर की 600 एकड़ में बननी है, जहां इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स की दुकानें होंगी, नेशनल लेवल के प्लेयर्स की दुकानें होंगी, जो थोक विक्रेता, जो खुदरा विक्रेता अब नए पैदा हो गए हैं, बिग बाजार, रिलायंस और बाकी सब जैसे, उनके लिए जगह होगी, जो नेशनल लेवल के प्लेयर हैं उनकी जगह होगी, रीजनल प्लेयर्स की जगह होगी, फार्मर्स प्लेटफार्म होगा। ये तो एक ऐसी मंडी बनने वाली है जैसे बीजिंग की 1000 एकड़ की मंडी है, जैसे मनरंगस का 600 एकड़ की मंडी है, सेंजन की 300 एकड़ की मंडी है। ये तो आजादपुर मंडी को यहाँ शिफ्ट करके लाने का प्लान है जी, कि यहाँ एक बड़ी नेशनल लेवल की ऐसी मंडी, ऐसी भारत में कोई नहीं है, ऐसी एक ये मंडी डेवलप हो। और इसके साथ साथ दो मंडियां हम और डेवलप करने जा रहे हैं, पिंजौर में जहाँ HMT थी वहाँ एप्पल की एक मंडी डेवलप कर रहे हैं, और गुड़गांव में एक फ्लावर्स की मंडी डेवलप कर रहे हैं। NCR में कोई ऐसी आधुनिक मंडी नहीं है, हम नीदरलैंड की जो मंडी है उसके संपर्क से इसको जो है रॉयल फ्लोरा के सानिध्य से उसको डेवलप कर रहे हैं। तो हम एक बढ़िया बाजार अपने किसानों को देना चाहते हैं, और हम उसको इस ढंग से देना चाहते हैं कि पूरी इंटरनेशनल मार्केट से। आपने फूलों की बात करी, फूलों को लेकर के एक बड़ी चीज है कि हरियाणा में लोग फूल बोने की बात करते हैं, बनाने की बात करते हैं कि किस तरीके से उसकी खेती की जाए और उसको बड़ा प्लान तरीके से किया जाए। आज पूरा हिंदुस्तान लगभग कर्नाटक पे कई बार डिपेंड होता है, कई बार दूसरे और कुछ राज्यों पे डिपेंड होता है, लेकिन हरियाणा पंजाब में फूलों को लेकर के कोई बहुत बड़ा अभी तक काम नहीं हुआ है, तो उसको लेकर के क्या योजना है, क्या कुछ करने का है? कि फ्लोरिकल्चर के एक्सीलेंसी सेंटर को हम बना रहे हैं जिसमें केवल फूलों की खेती पर ही काम हो, और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा फरीदाबाद का इलाका, हमारा गुड़गांवा का इलाका, झज्जर का इलाका, ये काफ़ी मात्रा में फूल उगाता है, और इसलिए गुड़गांवा को हमने चयन किया है कि वहाँ एक फूलों की मंडी जिससे इनको बिक्री आसान हो जाए उसके लिए बनाए। फूलों की खेती में एक फ़ायदा है कि वहाँ आपको जो बाकी सब्जियों की खेती की तरह से या फलों की खेती की तरह से दिक्कत नहीं आती, दिक्कत इसलिए नहीं आती कि फलों और सब्जियों के भाव ऊंचे जाते हैं तो सब जगह उसका हल्ला पड़ता है, आपके स्टूडियो में भी हल्ला पड़ता है कि प्याज इतना महंगा हो गया, टमाटर इतना महंगा हो गया, लेकिन जब आप अपने प्रधान संपादक को बुके देने के लिए जाते हो तो 500 रुपये का ही मिलता है, तो आपको दिक्कत नहीं होती, उसमें 12 फूल होते हैं, 500 रुपये में आप 12 टमाटर नहीं खरीद सकते। बिल्कुल, इसलिए फ्लोरिकल्चर में कई बार रेट में दिक्कत नहीं आती है, उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं आती है, तो उस नाते से उसमें किसानों की अच्छी आमदनी हो सकती है और हम उस पर बढ़ाना चाहते हैं। तो किसानों की आप आमदनी फ्लोरिकल्चर पे बढ़ाना चाहते हैं। इन सब के बाद में एक चीज की आपके पास में हरियाणा में हिसार में कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि को लेकर के माना जाता है कि हरियाणा कृषि का एक आइडियल राज्य है। उस आदर्श राज्य में जो यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी कोई ऐसे शोध अब तक नहीं सामने ले आ पाई जिसको लेकर के उल्लेखनीय उपलब्धि कहा जा सके। नहीं, मेरे ख्याल से आपकी जानकारियां ठीक नहीं है, आपने विश्वविद्यालय पर अध्ययन करना चाहिए। हमारा विश्वविद्यालय देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक है, उसने जिस तरह के बीज, जिस तरह की बाकी जो उसकी उपलब्धियां हैं, एकेडमिक उपलब्धियां हैं, जिस तरह से पूरे हरियाणा की कृषि को संचालित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है HAU, और अब हमारी दो यूनिवर्सिटी और बन गई हैं, लाला लाजपत राय लाइफ स्टॉक विज्ञान यूनिवर्सिटी बन गई है, और इसी तरह से हमारी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी बन गई है, दोनों में काम हो रहा है और हमारे विश्वविद्यालय बेहतर काम कर रहे हैं। नहीं, मैं वही फिर कह रहा हूँ कि क्या ऐसा हुआ है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है पूरी दुनिया के विद्यार्थी उसमें पढ़ने के लिए आते हैं, पूरी दुनिया के लेवल की जानकारियां उसमें, और बहुत सारे देश के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स यहाँ से पढ़कर अभी काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत दुनिया के कई सारे देशों के साथ हमारा इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से इंटरेक्शन होता है, काम होता है, तो बहुत बेहतर काम हमारे विश्वविद्यालय। अब 150 करोड़ का मंत्रालय है। ओम प्रकाश धनखड़ सिर्फ किसान नेता नहीं है, ओम प्रकाश धनखड़ खुद भी किसान है, पशु भी पालते हैं, घर में भी पालते हैं,
तमाम सारे बागवानी भी कर लेते हैं, तो जब ये सब चीजें खुद करते हैं तो उनको किसान का दर्द भी होना चाहिए, और यदि दर्द होना चाहिए तो आप मंडी विजिट करिए। जब किसान अपने बेचने जाता है फसल तो ट्रैक्टर के नीचे वो सोता है, उसके लिए वहां पर कोई रेस्ट रूम या कोई उस तरह से चीजें भी नहीं डेवलप हुई हैं। देखिए ज्यादातर मंडियों में किसान भवन है, ये ठीक है कि किसान अपनी रखवाली के लिए अपने अन्न के पास रहता है, और इसलिए कई बार उसको स्वाभाविक भी लगता है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी ट्रॉली भरी हुई गेहूं की छोड़कर सरसों की छोड़कर वो किसान भवन जाकर लौट जाएगा, और उसकी प्रॉब्लम भी यही है मैं बता देता हूँ। जब जब वो ऐसा करता है कि अपनी ट्रॉली छोड़कर आड़ती के अंदर जाकर ठंडा पी के लेटता है तो उसका नुकसान ही होता है जी। इसलिए किसान को अपने रखवाली करना और किसान को अपना सामान अच्छे से बेचना जी, उसको बिक्री करने का भी अपना एक सीखना पड़ेगा। देखिए मैं ये मानता हूँ इजराइल मेरे लिए आइडियल है एक मामले में। इजराइल के लोग बहुत बहादुर हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबके साथ उनकी लड़ाई रहती है आपको मालूम है, लेकिन वो सबसे ताकतवर रहते हैं। हम हरियाणा वाले ऐसे ही हैं, लड़ने में हम कोई कम नहीं है, लेकिन उनमें एक क्वालिटी हमसे अतिरिक्त है, वो बिक्री में भी पूरी दुनिया में सबसे जोरदार है। हमने ये बिक्री कला हरियाणा के लोगों ने सीखनी है। अगर हम अपना माल बेचना सीख गए तो हम इजरायली जो कौम है, जो यहूदी हैं, उनको टक्कर देने वाली कौम के बराबर के हैं। हरियाणा जो टक्कर देने वाली कौम बनाने का प्रयास कर रहे हैं ओम प्रकाश धनकर। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद में कुछ और सवालों पर चर्चा करेंगे। धनकर साहब मेरे साथ। ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ हैं हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनकर। धनकर साहब, आपने कहा कि हरियाणा के लोगों को आप संघर्षशील वैसा बनाना चाहते हैं कि इजराइल से भी आगे निकल जाएं। जब आप इजराइल से आगे निकलने की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, तो उनको फैसिलिटेशन करने की, फैसिलिटेट करने की जरूरत महसूस होती है। आपने हरियाणा में ही तमाम जगह पर कृषि भवन बनाए हुए हैं, किसान भवन बनाए हुए हैं। यहाँ के किसान भवन में कितने किसान रुक पाते हैं? हरियाणा का सबसे अच्छा बेस्ट नेटवर्क है। चलिए कुछ आपसे राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। आपको फिर से हरियाणा का जो है मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। मैं फिर से इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार भी आपका योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था, तो इस बार आप चेयरमैन हैं, और चेयरमैन होते हुए क्या आपने जनता के बीच जाकर के जनता के सवालों को, जनता के मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने की कोई सोची है, जिससे कि लोकतंत्र का वास्तविक चेहरा सामने आ सके? कि शुक्ला जी, हम यही कर रहे हैं। आपको जो विचार आ रहा है वो प्रेरणा हमको पहले से ही मिल गई थी, शायद आपको विचार हमको प्रेरणा देने वाली शक्ति एक ही है। और 9 सदस्य मेरी ये कमेटी है, जिनको अलग अलग ग्रुपों से इंटरेक्शन करने का काम दिया गया है। एक काम उसमें कर रहे हैं सीधा इंटरेक्शन। मैं रेवाड़ी में खुद गया किसानों से बात करने, करनाल में किसानों के से मैंने बात की, हिसार में जाके पशुपालकों से बात की, उद्योगपतियों से बैठकर फरीदाबाद में बात की। मेरी कमेटी के ऐसे सदस्य, कोई महिलाओं से बात कर रहा है, कोई युवाओं से बात कर रहा है, कोई शिक्षाविदों से बात कर रहा है, कोई हेल्थ सेक्टर में काम करने वालों से बात कर रहा है, कोई सर्विस सेक्टर में काम करने वालों से बात कर रहा है, कोई व्यापारियों से बात कर रहा है, कोई सीनियर सिटीजन से बात कर रहा है। हर वर्ग को हम उसमें बात करके सम्मिलित, मतलब हमारी कोशिश ये है कि हजारों प्रतिनिधियों से, मैं लाखों नहीं कहूँगा, हजारों प्रतिनिधियों से डायरेक्ट, जो उस समाज उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, दलितों से भी बात हो रही है, पिछड़ों से भी बात हो रही है, ऐसे सबके विचार वो ले आए। फिर लाखों तक पहुँचने का भी हमने तरीका रखा है, दो तरीके रखे हैं। 18 ऐसी यात्राएं निकाली हैं, रथ कहते हैं स्वाभाविक भाषा में, उनको रथ कहने की आदत हो गई, व्हीकल्स हैं जिस पर हमारे जो हरियाणा के लोग हैं, मेरे सपनों का हरियाणा इस तरह से लोग लिख कर दें, और वो मेरे मिलके बन जाए हमारे सपनों का हरियाणा। इसलिए हर विधानसभा में हमारी एक गाड़ी जा रही है जिसमें लोग अपना सुझाव डाल सकते हैं। मुझसे अभय चौटाला ने मुझसे कहा, मैं वही अभी बताया, मुझसे अभय चौटाला ने कहा, आप ये जरूर पूछिएगा कि ये नया मैनिफेस्टो बनाने जा रहे हैं अगले विधानसभा चुनाव के लिए, क्या पिछले मैनिफेस्टो को पूरा कर चुके हैं? मैं एक बात पूरी करके आपकी बात पर आता हूँ।
अब हमने उस पर एक वेबसाइट भी दी है, MSK हरियाणा, मेरे सपनों का हरियाणा जो है, उसी पर हमने 971 और 5×0 और 28 ये व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। इसी पर MSK हरियाणा पर हमारा फेसबुक पेज भी बना है, MSK हरियाणा पर जो है अंडरस्कोर हरियाणा पर हमारा ट्विटर पेज बना है, ट्विटर अकाउंट बना है, और जो है इंस्टाग्राम भी है। मतलब जो सोशल मीडिया पर प्रदेश के लोग हैं, स्मार्टफोन पर हैं, वो भी अपने सुझाव दे सकते हैं। हमने सबको जोड़ने की कोशिश की है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि 100% नहीं, लेकिन 99% हम अपने पुराने घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट करके भी उससे भी आगे बढ़े हैं। पढ़े लिखी पंचायत हमने उसमें नहीं कहा था हम लेकर आए। हमने जिला परिषदों की अंतर जिला परिषद बनाएंगे उसमें नहीं किया कहा था हम लेकर आए। ग्राम गौरव पट बनाएंगे हमने उसमें नहीं कहा था हम लेकर आए। हम पूरे हरियाणा को ODF कर देंगे ये उसमें हमने नहीं कहा था हमने किया। स्वच्छता के लेवल को आगे बढ़ा ले जाएंगे ये हमने नहीं कहा था हमने किया। हम बहुत आप घोषणा पत्र से आगे गए हैं। आप बात कहते हैं जब, तो उस समय एक और चीज आती है कि भारतीय जनता पार्टी पर एक कहा जाता था कि ये शहरी पार्टी है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव ने यह सिद्ध किया कि वो ग्रामों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी इस तरह से इंटर हो गई, इसके पीछे आपकी रणनीति क्या थी, कैसे आप इंटर हुए? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ग्रामीण पार्टी थी पूरे देश में। मेरे यहाँ आप कह सकते हो कि यहाँ कुछ ऐसा बंटवारा हो गया था, मध्य प्रदेश में वो ग्रामीण पार्टी थी, राजस्थान में वो ग्रामीण पार्टी थी, हिमाचल में वो ग्रामीण पार्टी थी। यहाँ कुछ ऐसा समय के साथ बंटवारा हो गया था कि डॉक्टर मंगल सेन जी शहरों को रिप्रेजेंट करते थे, चौधरी देवीलाल गाँव को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे पंजाब में भी ऐसा चला अकाली दल के साथ और BJP का, ये दो स्टेट में आप ऐसा कह सकते हो कि शहर और ग्रामीण करके अलग अलग क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने वाले नेता आए, उस तरह से चले। लेकिन हमने सने सने हरियाणा में हम इस प्रकार से बढ़े कि अपने साझेदारों के साथ हम सीट बढ़ाते गए, आपने देखा, और आते आते हम 50% पर आए, और 50% के बाद फिर उस हम 100% पे आए। और आज लोगों ने माना कि वास्तव में जिस प्रकार का एक वो छवि जो पुरानी छवि थी शहरी पार्टी वाली, वो आज हम सब ग्रामीण क्षेत्र के, मनोहर लाल जी बनियाणी गांव के हैं, रामबिलास जी भी गांव के हैं, मैं भी गांव का हूँ। हम ज़्यादातर लीडरशिप हमारी अब गाँव से आती है। आप देखेंगे कैप्टन अभिमन्यु गाँव के हैं, सारे के सारे नेता मेजोरिटी में जिसको प्योर शहरी कहें वो तो आपको ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। तो अब हमारी लीडरशिप भी टोटल ग्रामीण लीडरशिप है, हमारा कैडर भी ग्रामीण लीडरशिप है, शहरी भी उसी प्रकार से BJP को प्रेम करता है, लेकिन अब ग्रामीण भी अत्यधिक प्रेम ग्रामीण परिवेश से अब भाजपा आने लगी है। लेकिन एक चीज और आ रही है, ग्रामीण परिवेश से आने लगी, सब कुछ होती है, लेकिन आपके दूसरे लोग कहते हैं SYL दूसरी चीजें कि हरियाणा को पानी सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, SYL को लेकर के आप गंभीर नहीं है, यह आप पर आरोप है, आप बताइए क्या? देखिए, SYL का विषय हमारे पक्ष में जा रहा है। अभी सितंबर में फिर सुनवाई होने वाली है, और अभी पिछली तारीख पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हरियाणा, पंजाब और केंद्र मिलकर इस पर आगे बढ़े। हरियाणा ने चीफ सेक्रेटरी, हमारे ACS इरीगेशन और हमारे EIC की कमेटी बना दी है। लगभग ऐसी ही कमेटी जो मेरे डिपार्टमेंट से मुझे जानकारी है, मैं उसकी कन्फर्मेशन नहीं कर सकता क्योंकि वो दूसरे राज्य का विषय है, लेकिन पंजाब में ही ऐसी कमेटी बन रही है। केंद्र जब बैठाएगा तो उसके साथ बैठेंगे और उसमें से निर्णय आगे बढ़ जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय जिस भी प्रकार से उसे इम्प्लीमेंट कराएगा, क्योंकि इस विषय पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर अति राजनीति हो चुकी है। रातों रात विधानसभाएं बैठ चुकी हैं, सारे कानून समझौते रद्द किए जा चुके हैं। अब इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से राजनीतिक विषय बनाने से कई बार इन विषयों पर सरकारें भी बन गई। एक दोनों तरफ से एक ईगो खड़ी होती है, और उसी कारण से पानी जो 19 लाख एकड़ फीट पानी हमको मिलना था उसमें विलंब होता गया। अब इसको दोनों तरफ के किसानों के भले के लिए सर्वोच्च न्यायालय पर ही छोड़ देना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए। एक और विषय है जो बड़ा पंजाब हरियाणा के बीच में सदैव विवादों में रहता है, वो राजधानी का। हरियाणा के लोग कहते हैं हमारी राजधानी जो पलवल में रहता है वो कहता है चंडीगढ़ आना पड़ता है, उधर दूसरे कोने में रहता है वो कहता है कि हमें क्यों नहीं हरियाणा अपनी राजधानी हरियाणा के ही किसी जिले में कहीं पे स्थापित करता है, बीच में करता है, जिससे सबकी कनेक्टिविटी बराबर हो। देखिए, जो हमसे बाद में राज्य बने हैं वो सब ने अपना अपना उसी समय तय किया, तो उनकी राजधानी अपनी अपनी विकसित हो गई है। लेकिन हरियाणा पंजाब दोनों का ही प्रेम चंडीगढ़ पर रहा, और वो प्रेम अभी भी बराबर है, और उस प्रेम में अब अधिकार ज्यादा आ गया है जी।
और वो अधिकार भाव जब कहीं भी ऐड होता है तो निश्चित रूप से उस अधिकार से दोनों ही राज्य अपने अपने हिसाब से बात करते हैं, और इस अधिकार भाव के कारण ही चंडीगढ़ दोनों राज्यों के ही कॉर्नर पर है, किसी एक राज्य के भी केंद्र में नहीं है। पंजाब के लिए अमृतसर केंद्र हो सकता है, हरियाणा के लिए भी कुछ दूसरे स्थान केंद्र हो सकते हैं, लेकिन सबका अधिकार भाव अब चंडीगढ़ पे है, और उस नाते से जो है चंडीगढ़ छोड़ना नहीं चाहते। चलिए एक आखिरी सवाल कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुका है, 2 महीने के अंदर अंदर चीजें शुरू हो जाएंगी, तो ऐसी स्थिति में आप क्या किन चीजों को लेकर के आप मानते हैं कि अपनी उपलब्धियां बता करके जनता के पास जाएंगे? देखिए, तो जो आपने किया है एक वो बात है आपकी डिलीवरी, एक वो है कि आगे आपका सपना क्या है, आप करने क्या जा रहे हो, दोनों चीजें लेकर जाएंगे। जो हम करने में सफल हुए, जिनसे लोगों में सुखद एहसास हुआ, हमने मेरिट पर नौकरियां दी, लोगों को अच्छा लगा, हमने ट्रांसफर कंप्यूटर्स की लोगों से अच्छा लगा, हमने डायरेक्ट चुनाव कराए लोगों को अच्छा लगा, हमने पावर ज़्यादा पंचायतों को दी लोगों को अच्छा लगा, शिक्षित पंचायतें, शिक्षित नगर पालिकाएं, नगर परिषद बनाए लोगों को अच्छा लगा, फार्मर्स वेलफेयर में हम जोखिम फ्री करने में कामयाब हुए, खरीद हमने अच्छी की, लोगों को अच्छा लगा, खुद ख़त्म हो रहा है, घर की लड़ाई है उसमें हम क्या कर सकते हैं, परिवार का तालमेल चाहिए था, परिवार बिखर रहा है उसमें बीजेपी क्या कर सकती है, अपने ही प्रदेश सदस्यों को स्वीकार नहीं कर पा रहे तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ये तो उनकी अपनी कठिनाइयाँ हैं, उनकी अपनी दुविधाओं के कारण से वो बिखर रहे हैं। तो उस नाते से हमको तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, दल और परिवार का तालमेल अगर रहता तो अच्छा विपक्ष होता, उस नाते से विधानसभा में मजा नहीं आ रहा विपक्ष इतना कमजोर होने के कारण से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो, और जो आगे हमारे मन में है 2019 से 2024 तक का हरियाणा, उसके लिए जो कर सकते हैं उसको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। हरियाणा जो विपक्ष खत्म हो रहा है उसको लेकर के चिंतित हैं ओम प्रकाश धनखड़ साहब आपके सवालों का जवाब दे रहे थे। अगले सप्ताह मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ, कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।